बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, मंदिरों में वहां पर तोड़फोड़ की जा रही है। कट्टरपंथी इस्लामिक भीड़ हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर उतारू है। बांग्लादेश के ठाकुर गांव के देवीगंज के नापित पारा में हिंदुओं के घरों में आग लगा दी गई। तस्वीरें देखिए, हिंदू समुदाय के लोग वहां पर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लगभग 50 से ज्यादा जिलों में वहां पर हिंदू आबादी रहती है और तख्ता पलट के बाद वहां पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसक घटनाएं बढ़ गई हैं। उनके घरों को टारगेट किया जा रहा है। ये ताजा तस्वीर सामने आई है बांग्लादेश के ठाकुर गांव से। इससे पहले आपने कल देखा था तस्वीर, ये कुश्तिया की तस्वीर थी जहां पर काली माता मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी। और आज ठाकुर गांव से ये तस्वीर है जहां पर 15 हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया, उनको आग के हवाले कर दिया गया। तो अंतरिम सरकार के गठन के बाद वहां के प्रमुख ने कहा था कि ऐसी घटनाएं रुक जाएंगी, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि वहां पर हालात जस के तस हैं, कुछ भी नहीं बदला है। हिंदुओं के खिलाफ लगातार ऐसे हमले जारी हैं। बांग्लादेश से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश यूनिवर्सिटी के चांसलर का इस्तीफा हो गया। चांसलर से जबरन इस्तीफा लेने का आरोप लग रहा है। सरकारी स्कूल से हिंदू टीचर से इस्तीफा लिया जा रहा है। हिंदू टीचर गौतम और गीतांजलि को हटा दिया गया है, ये बड़ी खबर। ये देखिए, इससे पहले आपने देखा था कि यूनिवर्सिटी के एक डीन को वहां से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। कुछ छात्र वहां पर घुसे और उन्होंने सामूहिक कुरान पढ़ने की अनुमति मांगी, जिसे स्वीकार नहीं किया डीन ने। और ये देखिए, उसके बाद फिर डीन को इस्तीफा देना पड़ा। अब खबरें ये भी है कि वहां पर जितने भी स्कूल में हिंदू टीचर हैं उनसे कहा जा रहा है कि आप खुद इस्तीफा दो और उसमें यह लिखो कि आप इस पद के लिए योग्य नहीं हो, या फिर इसमें लिख दो कि निजी कारण से आप इस्तीफा दे रहे हैं। ढाका से बड़ी खबर है, यहां हिंदुओं को नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। प्रोफेसर सोनाली रानी से कट्टरपंथियों ने जबरन इस्तीफा लिखवा लिया है। सोनाली रानी दास ढाका के हॉली फैमिली रेड क्रिसेंट नर्सिंग कॉलेज की सहायक प्रोफेसर थी और यह आरोप लग रहा है कि इनसे कहा गया कि आप इस्तीफा दो, तो वहां पर टीचर या प्रोफेसर सबसे कहा जा रहा है कि आपको इस्तीफा देना पड़ेगा और बकायदा उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि आप इस पद के लिए योग्य नहीं हो, या फिर यह लिखो कि आप निजी कारणों की वजह से आप इस्तीफा दे रहे हो। बांग्लादेश में मेडिकल स्टूडेंट ने मोर्चा खोल दिया। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की कई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हजारों की तादाद में ढाका यूनिवर्सिटी के उसी कैंपस में प्रदर्शन कर रहे हैं जहां पर बांग्लादेश में बवाल वाले प्रदर्शनकारियों ने शुरुआत की थी। ये सभी मेडिकल स्टूडेंट की मांग है कि बांग्लादेश में सिर्फ MBBS और BDS डिग्री धारी को ही डॉक्टर का दर्जा मिलना चाहिए। हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। ये बांग्लादेश के ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जो अभी भी नाराज हैं, और नाराज इस कदर है कि बांग्लादेश में हजारों की तादाद में स्टूडेंट आपको सड़क पर नजर आएंगे। सबकी अपनी अपनी डिमांड है और डिमांड अब तक पूरी नहीं हुई है, इसीलिए ये नाराज नजर आ रहे हैं। मेडिकल के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, पोस्टर है इनके हाथों में, ये पोस्टर आप देखेंगे, ओनली डॉक्टर्स कैन वैक्स इन व्हाइट कोट, ये आप तस्वीर आप देखेंगे। हजारों की तादाद में जो डॉक्टर्स स्टूडेंट हैं वो नाराज नजर आ रही है। ये आपको एक पोस्टर दिखा लेता हूँ, ये लिखा हुआ है, आप देखेंगे यूनिवर्सल मेडिकल कॉलेज। अलग अलग कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उनमें भारी आक्रोश है और वो नाराज इस बात से है कि मेडिकल का जो कोटा, उनका जो हक है, वो उन्हें अब तक नहीं मिला है। लगातार प्रदर्शन बांग्लादेश के ढाका में बढ़ता जा रहा है। मेरे सहयोगी विनायक कुमार सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और बयान एक के बाद एक जो मेडिकल के स्टूडेंट के जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं वो लगातार दे रहे हैं। लगातार अलग अलग जो विंग है स्टूडेंट की वो प्रदर्शन कर रही हैं। मांग सबकी अलग अलग है और नाराजगी भारी है। बंगाल में बवाल, बांग्लादेश में बवाल थम नहीं रहा है। कैमरामैन विनायक कुमार सिंह के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, ढाका।